2024 में पैसे कमाने के कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन नियम को पालन करते हैं या इन नियम को फॉलो करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में अपना गोल सेट कर सकते हो और आप आने वाले साल मतलब 2025 में आप अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एक जरूरी पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँगा, अगर आप इन पॉइंट को ध्यान में रखते हैं उसके आधार पर अगर आप काम करते हैं या अपनी स्ट्रेटेजीज को इस प्रकार से बनाते हैं तो आप आने वाले 2025 में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि अगर आप इक्विटी में काम करते हैं तो इक्विटी में आपको अगर जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपको मान लेते हैं कि आपका 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 50,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से यूटिलाइज़ करना है, इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के भी कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे इक्विटी के ऊपर। अगर आपको मार्केट में आप नए इन्वेस्टर्स हैं या आपने स्टॉक मार्केट में अभी कदम रखा है, स्टार्टिंग ही है, तो सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप काम करके अपनी वेल्थ को धीरे धीरे समझ के अपनी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, मार्केट को धीरे समझ सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर आप बाय करते हो कोई भी कंपनी का तो एक कंपनी के अंदर कम से कम 12-15 कंपनी का एक बंडल होता है, उसमें आप अपने म्यूचुअल फंड में जो भी कंपनियाँ उन कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि मार्केट किस प्रकार से काम करता है, कंपनी उसका किस प्रकार से परफॉर्मेंस होता है और यहाँ पर ग्रोथ कैसी देखने को मिलती है। तो आप इसमें अपनी स्टडी कर सकते हैं, इसके साथ ही आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद मान लो कि आप थोड़े एग्जिस्टिंग हो मार्केट में, मतलब कि मार्केट को आप जानते हो, समझते हो, थोड़ा आपको जानकारी है, तो इस कंडीशन में आप स्टॉक मार्केट में इक्विटी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इक्विटी से अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो को इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में 50,000 रुपीज़ का अमाउंट है तो हम यहाँ पे 10,000 में इसको डिवाइड कर देंगे और हम यहाँ पे ख़रीदेंगे चार कंपनी के स्टॉक, मतलब कि 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हम चार अच्छी कंपनियों में करेंगे। और यहाँ पर हमारा नज़रिया यही रहेगा कि इसमें जो हमारा जो होल्डिंग का पर्पस रहने वाला है यही रहेगा, एक कम से कम एक महीने का तो हमारा यहाँ पे टाइम रहना चाहिए। और यहाँ पे जो परसेंटेज का रेशियो रहेगा ये 5% से लेके 8% के आसपास हमारा यहाँ पे परसेंटेज का रेशियो रहना चाहिए। मतलब कि जब भी हमारा स्टॉक 5% या 8% के आसपास बढ़ जाता है तो हम इस स्टॉक से अपना प्रॉफिट गेन करके हम अगले स्टॉक में अपनी पोजिशन बनाएंगे। लेकिन इसी से हट के अगर मान लो कि कोई स्टॉक नीचे जाता है 10% के अंदर, उसके अंदर गिरावट आ जाती है, 15% की गिरावट आ जाती है, तो जो हमने 50,000 में से जो 10,000 रुपये का अमाउंट अलग रखा था उसमें हम यहाँ पे कुछ स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ एक अमाउंट को भी रिजर्व में लेके चलेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक अच्छी वेल्थ अपनी क्रिएट कर सकते हैं और हमें वही स्टॉक को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो एकदम अप ट्रेंड में हो या बढ़ते डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। ऐसे स्टॉक में हमें काम नहीं करना जो कि डेप्थ वाली कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी की डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐसी कंपनियाँ लेनी चाहिए जिनकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी हो, कंपनी के ऊपर डेप्थ भी ना हो और यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये भी अच्छी खासी बनी हो। तो इस प्रकार के स्टॉक आप ले सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल, उसके पास ऑर्डर बुक को अगर देखते हैं कि कंपनी के पास ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी वेल्थ को आगे बढ़ा सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो करेंगे और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ये तो हो गई एक साइड की बात हो गई कि जो आपने टारगेट यहाँ पे सेट करके रखा मंथली में 5% या 8% का टारगेट लेके रखा है। इस कंडीशन में मान लो कि अगर आप रिटर्न लेते हो तो आपका जो 10 महीने में रिटर्न है ये हो जाएगा आपका 50% का और 12 महीने में मतलब कि ऐसा रिटर्न लेते हैं तो ये रिटर्न तकरीबन आपका 60% का रिटर्न हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ से मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, इस प्रकार से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर हमने जो होल्डिंग लेके रखी है उस होल्डिंग के ऊपर हम लेवरेज लेके भी काम कर सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम कुछ एक स्टॉक ले सकते हैं जो हमको लेवरेज मिलता है ब्रोकर की साइट से, उस पर हम स्टॉक को इंट्राडे ले सकते हैं। इस समय हमारा क्या गोल रहने वाला है कि जितने का हमने होल्डिंग यहाँ पे बना के रखा है 50,000 रुपये का, 50,000 के ऊपर अगर आप यहाँ पे लेवरेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे 80% के आसपास का लेवरेज मिल जाएगा। मतलब कि हो सकता है आपको यहाँ पे 40,000 तक का या 35,000 तक का आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा। इस मार्जिन पे अगर इंट्राडे काम करते हैं तो यहाँ पे एक ही टारगेट होना चाहिए कि जितने हमने यहाँ पे होल्डिंग बाय करके रखी है वो होल्डिंग हमें एक साल के अंदर फ्री करना है। कहने का मतलब ये है कि जितना 50,000 का अगर हमने होल्डिंग लेके रखा है तो हमको 50,000 जो है एक साल में हमें निकाल लेना है, तो जो हमारे पास होल्डिंग है वो फ्री हो जाए, फिर वो आगे चल के
हमें जो भी रिटर्न देगी मल्टी बैगर रिटर्न, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको लेके रख सकते हैं। तो अगर ये भी गोल आप सेट करते हैं तो भी आप मार्केट में एक अच्छी खासी अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट जिसमें हम ऑप्शन की बात करेंगे कि अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो ऑप्शन में किस प्रकार से काम करना चाहिए। मोस्टली लोग ऑप्शन में जो काम करते हैं तो मार्केट स्टार्ट होता है, मार्केट स्टार्ट होने के बाद डायरेक्ट ही ऑर्डर लगा देते हैं, मतलब कि 9:15 बजे, और वहाँ पर उन्होंने कॉल या पुट में ऑर्डर प्लेस कर दिया। होता क्या है, यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है, मतलब कि मुश्किल से 1 या 2 मिनट में हमारा 5-7 हज़ार का नुकसान हो जाता है। अगर मान लो 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये का भी इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 हज़ार 7 हज़ार रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक तो नुकसान तो हुआ, साथ में हमारा जो दिन था वो भी ख़राब हो गया। सिर्फ 1 या 2 मिनट में हमारा दिन ख़राब हो जाता है। इस गलती से बचने के लिए क्या करना है कि हमें जो है कि 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे का जो टाइम है, इस टाइम में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद अगर मान लो गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पर मार्केट जो है स्टेबल हो जाएगा। इस कंडीशन में एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ कि 15 मिनट का एक कैंडल होता है, 15 मिनट का जो टाइम पीरियड है ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है। इसमें आप ऊपर का कैंडल, ऊपर का हाई और नीचे का एक लो पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। जब भी हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे अपसाइड की पोजीशन ली जा सकती है, और लो पॉइंट ब्रेक होता है तो यहाँ पर डाउनसाइड की पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन ये भी जो स्ट्रेटेजी है ये आपको उस समय काम करेंगी जब आपको मार्केट जो है ट्रेंडिंग में हो। ऐसा नहीं कि मार्केट रेंज बाउंड में काम कर रहा है और आपने यहाँ पे मार्क कर लिया हाई एंड लो और पोजीशन बना ली, इस कंडीशन में लॉस हो सकता है। अगर मान लो कि मार्केट लॉन्ग टाइम पे बढ़ते टाइम फ्रेम पे चलता है और यहाँ पे स्टॉक ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने पॉइंट को ब्रेक किया है तो उस दिशा में मार्केट जा सकता है। अगर डाउन साइड में चल रहा है तो आपको गिरावट अच्छी खासी मिल सकती है, अगर अप साइड में चल रहा है तो आपको तेज़ी का पॉइंट यहाँ पर अच्छा खासा मिल सकता है। खास करके ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो ऑप्शन में आपको इंतजार करना चाहिए, और महीने में तकरीबन 3 या 4 ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बोलते हैं कि आप डेली का 500 या 1000 रुपये कमाइए, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को पोजिशन ही लेके जाते हो, अगर आपका चार ट्रेडिंग अच्छा खासा है तो जो आपको 1500 रुपये कमाने का सोचा है वो आपका टारगेट अगर मान लो बनता है कि एक महीने में 5000-10000 रुपये का अमाउंट गेन करना है, लेकिन उस 5000-10000 के अमाउंट के पीछे आपको मेंटली कितना परेशान होना पड़ता है। लेकिन इसके लिए अगर हम मान लो कि मंथली एक्सपायरी पे काम करें और यहाँ पे चार्ट ट्रेडिंग करके एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा प्रीमियम को बाय करें और हमें लगता है कि इस ऑप्शन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो वहीं जहाँ पे आप 500 रुपये दिन का कमाना चाहते हो तो आपको एक ही ऑप्शन जो है ये आपको जो आप 10 दिन कमाना चाहते हो वो आपको एक ही बार में निकाल के देगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको पेशेंस रखे थोड़ा बैठना पड़ेगा। इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप यहाँ से ऑप्शन में अच्छा खासा मुनाफा गेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में डेली ऑर्डर लगाते हैं, तो डेली ऑर्डर में डेली कमाने के चक्कर में यहाँ पर लॉसेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत या अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपका आने वाला साल जो 2024 आने वाला है ये आपका अच्छा गुजरे और आप 2025 में अपने अच्छी वेल्थ को क्रिएट कर सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।